खैर मैंने अपने करियर में कई ऐसे खतरनाक स्टंट्स किए हैं कि जिससे मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन जिंदगी में शायद ही मैं कभी इतना नर्वस हुआ हूं जितना कि आज हूं इस वक्त। और वो इसलिए कि मुझे मौका दिया गया है टू से समथिंग इन एन ऑनर ऑफ अ मैन हुज ग्रेटनेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मियर वर्ड्स, श्री अमिताभ बच्चन जी। करीबन 3-4 दिनों से मैं सोचता रहा हूं कि आज मैं यहां क्या कहूंगा, ऐसा कौन सी चीज है जो मैं कहना चाहता हूं कि लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी हो। वेल, पीपल हैव स्पोकन बिफोर अबाउट व्हाट अ लेजेंड ही इज, अबाउट व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर ही इज, व्हाट एन इंस्पिरेशन ही इज, द एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट इट। तो ऐसी कौन सी खास बात है जो इनके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं। आई थिंक मैं अपने जो मेरा उनके साथ रिश्ता रहा है जब से मैं उनको जानता हूं, मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहता हूं जिससे ये साबित होता है कि व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज। मुझे आज भी याद है जब मेरी फिल्म सौगन लगी थी, वो कुछ कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी, एक एवरेज फिल्म थी, मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते थे, इनफैक्ट मेरा खुद का पड़ोसी भी नहीं मुझे पहचानता था। तब एक दिन किसी स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रहा था और वहां ही सडनली एक हलचल सी मची और लोगों ने सबको एक दूसरे को दबाना शुरू किया, क्योंकि पता चला कि वहां से अमिताभ बच्चन जी गुजरने वाले हैं, तो सबको साइड में कर दिया गया, तो मुझे भी साइड में कर दिया। तो मैं भी अपने एडियो पे खड़ा हो गया, देखने लगा कि हाँ जी मैं भी अपने सुपरस्टार को देख लूं, मुझे भी कभी मौका मिल जाए देखने का, तो मैं देख लिया और फिर मैं जाने लगा। सडनली अचानक मेरे कंधे पे किसी का हाथ आता है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो खुद अमिताभ बच्चन जी मेरे पीछे खड़े हुए थे और उन्होंने अपने भरी आवाज में मुझसे कहा, जैसे आप सब जानते हैं उनकी आवाज, हाल ही में तुम्हारी फिल्म रिलीज हुई है ना। मैंने अपनी पतली आवाज में उनसे कहा, जी जी हां, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। जी थैंक यू वेरी मच। वही लक है जो शायद आज तक मेरे साथ देते आ रहा है, जो मुझे यहां तक लेके आया है। और यह मेरी पहली मुलाकात नहीं, बल्कि मेरी पहली मुलाकात उनके साथ जब मैं 8 साल का था तब हुई थी उनके साथ। शायद सर भी नहीं जानते होंगे, शूटिंग कर रहे थे, बेमिसाल फिल्म की शूटिंग चल रही थी कश्मीर में, और मैं कुछ 8 साल का था, अपने माता पिता के साथ घूमने गया था। तब हमें पता चला उनकी शूटिंग वहां चल रही है, तो मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में कलम दिया, पन्ना दिया, जब बेटे ऑटोग्राफ लिया। हमेशा माँ बाप अपने बच्चों को भेज देते क्योंकि बच्चों को मना करना मुश्किल होता है, तो मैं चुपचाप गया और जाके ऑटोग्राफ मांगा। मेरी नजर उन पे नहीं बल्कि वो जो अंगूर खा रहे थे उन पे थी, क्योंकि मुझे वो अंगूर खाना था। क्योंकि मैं दिल्ली का हूं, जब वो ऑटोग्राफ लिखने लगे तो मैं चुपचाप एक अंगूर चुरा लिया, और क्योंकि वो इलाहाबाद के हैं तो उन्होंने ये बात देख भी ली, उन्होंने चुपचाप मुझे ऑटोग्राफ दिया और एक गुच्छा पड़ा हुआ था अंगूर का, साथ में मुझे वो भी दे दिया। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, सच इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग दैट व्हेनेवर यू मीट हिम ही गिव्स यू समथिंग, चाहे वो लक हो, एनकरेजमेंट हो, अंगूर का गुच्छा हो, या फिर कई हीरोज को रीमेक करने के लिए अपनी पुरानी फिल्में हो, कुछ भी हो, बस हमेशा वो देते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत एक सिंपल जवाब है, क्योंकि जहां वो खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
सबसे ज्यादा आभारी हूं इस देश के लाखों लोगों ने, हर प्रांत के, हर जात के, जिन्होंने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में जाकर मेरे लिए प्रार्थना की।